पहले तो तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हरियाली तीर्थ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि सावन पर्व के अंदर सबसे बड़े त्यौहार के तौर पर हरियाणा की धरती इस पर्व को बनाती है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुनने पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को बहुत शुभकामनाएं, और इसी विश्वास के साथ गठबंधन आगे बढ़ेगा कि जो नई जिम्मेवारी उनको मिली है, इस जिम्मेवारी के साथ मिलकर आने वाले भविष्य में होने वाला चाहे बड़ौदा का उपचुनाव हो, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो, मिलकर मजबूती से गठबंधन लड़ेगा भी और प्रदेश के अंदर गठबंधन की विजय प्राप्त करेगा। आज आपको एकत्रित करने के लिए तीन अहम जरूरी विषय थे। पहला रूरल डेवलपमेंट विभाग का, जिसके अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का फेज़ टू समाप्त होने के बाद 4 महीने पहले फेज़ 3 की हमने तमाम जिला परिषद मेंबरों से, तमाम विधायकों से, सांसदों से सड़कों की डिमांड मांगी थी। और स्नेह के साथ आपके साथ साझा करता हूं कि कल केंद्र सरकार द्वारा फेज़ 3 का पार्ट 1 जो है उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के 8 जिलों में 83 सड़कें मंजूर हुई है, जो लगभग 383.58 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर तक हम बनाने का काम करेंगे, जिसके अंदर केंद्र सरकार 60% जो उनका शेयर है 229 करोड़ और लगभग 154 करोड़ रुपया प्रदेश के शेयर का हम सैंक्शन कर उनको गति देंगे। वो 8 जिले जो हैं उनमें पहला चरखी दादरी है, जिसमें 11 सड़कें मंजूर हुई हैं। झज्जर है जिसमें 14 सड़कें मंजूर हुई है। जींद है जिसमें 9 सड़कें मंजूर हुई है। करनाल है जिसमें 6 सड़कें मंजूर हुई है। मेवात है जिसमें 11 सड़कें मंजूर हुई है। रोहतक है जिसके अंदर 15 सड़कें मंजूर हुई है। सिरसा है जिसके अंदर 11 सड़कें मंजूर हुई, और यमुनानगर है जिसके अंदर 6 सड़कें मंजूर हुई। और मैं मानता हूँ कि इस लॉकडाउन के बावजूद भी निरंतर केंद्र सरकार से चर्चा करते हुए हरियाणा प्रथम ऐसा राज्य बना है जिसको इतने बड़े रोड नेटवर्क को एक्सपैंड करने का, स्ट्रेंथन करने का रूरल एरियाज के अंदर मौका मिला है। और मिलकर इस पूरे प्रोसेस को, हरियाणा प्रदेश के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने में हम कामयाब रहेंगे। दूसरा जो सबसे अहम हिस्सा था, बड़े लंबे समय से इस पे चर्चा चल रही थी कि 75% रिजर्वेशन बिल, उसके साथ 2 बड़ी अमेंडमेंट इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट और इंडस्ट्रियल एक्ट में अमेंडमेंट, जो प्रदेश के अंदर लास्ट कैबिनेट के अंदर हमने मिलकर मंजूर किया था, कल सरकार द्वारा पारित कर उसको महामहिम के पास सरकार ने भेजा है। और इन अमेंडमेंट्स के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स थी फरीदाबाद की और यमुनानगर की, उसका बेसलाइन सर्वे भी कंप्लीट हुआ है। तो आने वाले भविष्य के अंदर इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितना इंडस्ट्रियल एरिया अनऑर्गेनाइज था उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए जो उचित कदम हमें उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जो HEPP है, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी, वो अगस्त 15 को 2020 से 2025 तक की हमने लागू करनी है। तो ये बेसलाइन सर्वे जो है ये अपने आप में एक बेंचमार्क होगा पूरे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने के लिए। और निरंतर अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, चाहे वो मेगा प्रोजेक्ट्स हो चाहे अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हो, इसके लिए भी
हमारी चर्चा चल रही है और स्वयं विभाग के अधिकारी भी और मैंने भी अलग अलग बड़ी इंडस्ट्री के लोगों से चर्चा भी करी है, उनके इनपुट्स भी मांगे हैं कि कैसे पोस्ट कोविड हरियाणा एक इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया के लिए बने, जिसके अंदर चाहे लोग जो चाइना से अपने प्लांट्स को विड्रॉ कर रहे हैं। मुझे सुनने में आया कि एप्पल भी इंडिया की ओर इन्वेस्टमेंट की ओर देख रहा है। हम उम्मीद करते हैं ऐसी बड़े कंपनीज अपने सेटअप्स को हिंदुस्तान में अगर लेकर आए तो प्राथमिक तौर पर हरियाणा उसका आधार हो, इसी को बेस बनाकर जो हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी उसको रूपरेखा दी जाएगी। एक अहम निर्णय जो परसों संध्या 5 बजे से पूरे प्रदेश में लागू किया गया कि 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक तमाम लैंड ट्रांसफ़र और लैंड रजिस्ट्रीज को रोका गया है। 22 तारीख से 5 तारीख तक म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर रजिस्ट्रेशंस को रोका गया है और 22 तारीख से 15 तारीख तक जो कंट्रोल्ड एरिया है 7A का उसके अंदर रजिस्ट्रीज को रोका गया है। 3 चीज़ें जो मैंने पहले भी आपके साथ साझी करी थी उनको प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया गया है कि पहली चीज हरियाणा प्रदेश के अंदर रजिस्ट्री को और सिंपलर बनाने के लिए रेवेन्यू विभाग अपनी जमाबंदी की जो वेबसाइट है उसके अंदर सैंपल डीड्स गरीब आदमी के लिए भी टेम्पलेट्स के तौर पर अवेलेबल कराएगा, चाहे वो एक्सचेंज की हो चाहे ट्रांसफ़र की हो, और एक ही उद्देश्य के साथ कि आम आदमी को फिर दर दर के ठोकरें ना खानी पड़े, केवल मात्र अपना नाम, अपनी प्रॉपर्टी की जो डिटेल है, खसरा नंबर हो, वो अपलोड कर एक सिंपलर फॉर्म में वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा पाए। उसके साथ साथ जो स्टैंपिंग है, 100 रुपये से नीचे तो फिज़िकल स्टैंपिंग हम परमिट करेंगे मगर 100 रुपये से ऊपर ई स्टैंपिंग को मैंडेटरी करने का काम करेंगे। और एक इनोवेशन जो रेवेन्यू विभाग करेगा कि जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होगी विद इन 24 आवर्स उस रजिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वाया ईमेल कंसर्न्ड प्रॉपर्टी के मालिक के ईमेल पर हम भिजवाएंगे और साथ में उसको सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम से जैसे पासपोर्ट भेजा जाता है वैसे उसको साथ की साथ पोस्टल माध्यम से भी, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी व्यक्ति के रेजिडेंस तक जो परचेजर है उसकी फिजिकल फॉर्म भी भिजवाने का काम करेंगे। जिन लोगों के दिक्कत आई है मैं उन लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि जितनों के ई अपॉइंटमेंट्स थे अगर वो 7 दिन बाद उनके एरिया में रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है या उनका रजिस्टर्ड डीड पहले है उसको हम 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा रीअपॉइंटमेंट देकर उनको रजिस्ट्री कराएंगे। साथ में जिन लोगों ने स्टैंप्स ले रखे थे, जिन लोगों ने अपने चलान भरवा रखे थे, उन चलान की डेट्स को हमने 30 दिन की एक्सटेंशन देने का काम किया है। जितनी रजिस्ट्रीज हुई भी हैं उनको डिप्टी कमिश्नर्स जो रजिस्ट्रार्स हैं स्टैंप के उनके माध्यम से वेरिफिकेशन के साथ साथ इन 15 दिन के अंदर हम प्रोसेस करा कर कंप्लीट करवाने का काम करेंगे, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर्स प्रॉपर तरीके से इसको मॉनिटर कर पाएंगे। एक बदलाव जो हरियाणा लंबे समय से देखना चाह रहा था, पंचायत के क्योंकि चुनाव भी आने वाले फ्यूचर में ड्यू हैं, उसके अंदर हमने हीरो मोटोकॉप के माध्यम से उनके CSR के माध्यम से एक सहयोग इस लॉकडाउन के अंदर मिला है कि उनने महिला जिनने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अपनी एज अ मेंबर ऑफ पंचायत, एज सरपंचेस, एज मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति या मेंबर ऑफ जिला परिषद किया है, 100 स्कूटीज उनको हम देकर उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, जिसके अंदर 10 जिला परिषद की सदस्य महिला
20 ब्लॉक समिति की सदस्य महिला, 30 प्रदेश के 22 जिलों के अंदर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंचायत डेवलपमेंट का काम कराने वाली सरपंचेज, और 40 जिनने अपने वार्ड के अंदर मेंबर्स, क्योंकि सबसे टफेस्ट जॉब अगर किसी का होता है तो मुझे लगता है पंचायत के तौर पर पंचायत मेंबर का होता है, और महिला होने के नाते अगर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है तो उसको सम्मानित करेंगे। एक बदलाव आगामी पंचायत इलेक्शंस के अंदर भी हम देखने का काम करेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों में महिलाओं की पंचायत के अंदर हिस्सेदारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बढ़ाई है, जिसमें हमारे साथ लगते हुए लगभग सभी राज्यों ने 50% महिला के लिए रिजर्वेशन किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम 50% महिलाओं के रिजर्वेशंस का बिल आगामी विधानसभा के अंदर लाने का काम करेंगे, जिससे महिला प्रतिनिधित्व जो है उसको हम बढ़ावा दे पाए। 2 पंचायत के अंदर इनोवेशन के कार्य पिछले दिनों के अंदर हुए हैं। पहला कि पंचायतों के अंदर जो प्लास्टिक वेस्ट है वो एक बहुत बड़ी समस्या आती थी, जो इस बार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है इसके अंदर भी ये हिस्सा बनकर आई है कि हमें वो प्लास्टिक वेस्ट जो रूरल एरिया के अंदर है उसको सड़क निर्माण के अंदर इस्तेमाल करना है, और इसका हमने टारगेट लिया है कि आने वाले दिनों में 200 टन से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट पंचायत विभाग इकट्ठा कर PWD विभाग को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बिल्डिंग के अंदर देने का काम करेगी। और एक इनोवेशन जो कुलाना के नया गांव से हमने अडॉप्ट करी है, जहां बायोगैस LPG की जगह घर घर पहुंचाई जा रही है, और उसका जो कॉस्ट आउटपुट है वो 1/3 है LPG का। हमने पहले पायलट के तौर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की 7 स्कीमों को जॉइंट तौर पर नया गांव में इंप्लीमेंट किया, जिससे ग्राम पंचायत के ऊपर कोई बर्डन नहीं आया, और उसका रिजल्ट आया कि लगभग 25 घरों को हमने फ्री गैस सप्लाई करने का काम किया, और उसका दूसरा टैंक जिसकी कैपेसिटी उससे 3 गुना ज़्यादा है उसकी नींव रख दी गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 700 पशु नया गांव के अंदर हैं, और उन सब का अगर हम जो बायो वेस्ट है उसको कलेक्ट गांव के अंदर जॉइंट तरीके से करें और उसको बायोगैस की ओर डाइवर्ट करने का काम करें, तो नया गांव को पूरी तौर पर LPG मुक्त और बायोगैस युक्त बनाने का काम करेंगे, और वो अपने आप में एक सैंपल पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे रीजन के लिए है। कई प्रदेशों ने इसको अडॉप्ट करना चाहा है, हमने भी अब ये टारगेट लिया है कि प्रदेश के तमाम 138 ब्लॉकों के अंदर एक एक गांव को नया गांव की तर्ज पर हम डेवलप करेंगे, और उसके अंदर आने वाले अगस्त महीने में तमाम जो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हैं उनके नया गांव में विजिट करवा कर उसकी रेप्लिकेशन की गति को बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने के लिए प्रदेश के अंदर जो पहले रेड फ्लैगिंग की व्यवस्था थी इसको दुरुस्त करने के लिए आने वाले दिनों में अगर हमें HSVP के अंदर या फिर कंट्री टाउन प्लानिंग के अंदर अमेंडमेंट्स लाने पड़े तो उन अमेंडमेंट्स को भी हम लेकर आएंगे, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपलर भी हो और आम आदमी को, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग के माध्यम से हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या रूरल के माध्यम से हो, उसका आशियाना हम 2022 से पहले उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तो इन टारगेट्स के साथ मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, और हम उम्मीद रखते हैं कि प्रदेश के आम जन को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपलर होने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने का काम करें।